Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. कल मैंने स्लैंग पर पोस्ट किया था जिसको YouTube ने एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 18 प्लस वालों के लिए ही उसको रखा, इसलिए 18 प्लस वाले उसको देख सकते हैं। आज हमने एक शीर्षक बनाई है जिस शीर्षक के नीचे आपको बराबर पोस्ट मिलते रहेंगे, छोटा छोटा पोस्ट, छोटा छोटा, खास करके अंग्रेजी बोलचाल के लिए, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा। तो उसका मैंने शीर्षक रखा है एन एक्सप्रेशन अ डे। यहां ए डे का मतलब है एवरी डे, प्रतिदिन। तो पहले शीर्षक समझिए, एन एक्सप्रेशन अ डे यानी प्रतिदिन एक अभिव्यक्ति। तो बड़ा अच्छा है, एक दिन में एक छोटा सा, एक छोटा एक्सप्रेशन सीखते हैं और इस तरह बहुत ही जल्दी ढेर सारे एक्सप्रेशन हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसके तहत जो आज का द एक्सप्रेशन ऑफ द डे है, और इवन से द टुडेज एक्सप्रेशन है, आज की जो एक्सप्रेशन हम सीखने जा रहे हैं वो है लेडी ऑफ द इवनिंग। इसको हम लेडी ऑफ द नाइट भी कहते हैं और इसे ही लेडी ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। तो हो सकता है अब तक आपको अर्थ लग गया होगा, नहीं लगा तो चलिए सीखते हैं, जानते हैं क्या है। तो हिंदी के वैश्या शब्द का, हिंदी में जो वैश्या शब्द है उसके अंग्रेजी में ढेर सारे वर्ड्स हैं, जैसे हार्लॉट, होर, WH वाले होर, कॉल गर्ल, प्रोस्टिट्यूट, स्कारलेट लेडी, स्ट्रीट वुमन, स्ट्रीट वॉकर, हुकर, और भी ढेर सारे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इससे थोड़े से अर्थ भिन्न हो जाते हैं, लेकिन इसी तरह का है। उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में कर देंगे, वीडियो बिल्कुल छोटा बनाना चाहते हैं। आज तो पहला चीज थोड़ी बड़ी भी हो रही है, थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन से इस शीर्षक के तहत जब लेंगे तो एकदम छोटा वीडियो लेंगे, ठीक। इन सभी शब्दों का प्रयोग, हार्लॉट हो, कॉल गर्ल हो, हुकर हो, सब लोगों के बीच बैठ के करना बुरा लगता है, ये अशिष्ट है, अभद्र है। तो इसके प्रयोग में हम गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं, और इसे व्यक्त करने के लिए, सब ढंग से व्यक्त करने के लिए उपाय खोजते हैं, और उस उपाय को अंग्रेजी में कहा जाता है यूफेमिज्म। फिर जो लीजिए यूफेमिज्म, तो यूफेमिज्म क्या है? अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग इंडिसेंट, समथिंग वल्गर, समथिंग हार्श इन अ राउंडअबाउट वे, इन एन इनडायरेक्ट वे, इन अ प्लीजेंट वे। तो किसी अप्रिय बात को, अशिष्ट बात को, अभद्र बात को जब हम घुमा कर कहते हैं, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। और उसी के तहत इस वैश्या शब्द के लिए अंग्रेजी में जो शब्द मैंने अभी सुना है, कॉल गर्ल, होर, हार्लॉट, ये सब इनकी जगह पर हम कहते हैं लेडी ऑफ द इवनिंग, लेडी ऑफ द नाइट, लेडी ऑफ प्लेजर। ये थोड़ा शिष्ट तरीका है। सी इज ए प्रोस्टिट्यूट, ये ना कहके अच्छा है कि आप कहें सी इज अ लेडी ऑफ द इवनिंग, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, इसी ए लेडी ऑफ द इवनिंग इज लुक्ड डाउन अपॉन इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में लेडी ऑफ द इवनिंग और लेडी ऑफ द नाइट, लेडी ऑफ प्लेजर को घृणा की जैसे देखते हैं, राइट। इस तरह ढेर सारे एक्सप्रेशंस में आपको सिखाता रहूंगा। थैंक यू, लाइक देते रहिए, देखते रहिए, वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे जो ये आपके करीब का चैनल है, इसको बढ़ाना आपका काम है। कुछ लोग लाइक दे रहे हैं,
कुछ लाइक नहीं देते हैं तो कंजूसी बरत रहे हैं, या हो सकता है मुझको दिल से तो लाइक करते हैं लेकिन देने में संकोच करते हो। कोई बात नहीं, कल को वो भी देंगे। थैंक यू, सी यू।